नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। हिट एंड रन केस, जिसके नए कानून को लेकर कुछ महीने पहले काफी बवाल हुआ था, जिसके बाद ट्रक ड्राइवरों के आगे थक हार कर मोदी सरकार ने मजबूरन इस कानून को लागू नहीं किया। लेकिन ये कानून मौजूदा वक्त में क्यों जरूरी है, उसकी महत्वता आप इस खौफनाक वीडियो को देखकर समझ सकते हैं, जो कि सीएम योगी के शहर गोरखपुर से सामने आया है। 3 सेकंड के इस वीडियो में हिट एंड रन केस का ऐसा मंजर दिखा जो शायद कुछ लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब वीडियो को जरा गौर से देखिए। दिन है 10 मार्च 2024 का और वक्त है रात के करीब 10 बजे। सुनसान सड़क है, दोनों तरफ कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही है। सिर्फ 3 युवक सड़क के एक साइड में साथ चल रहे थे, वो बातों में मशगूल थे। इन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि अब क्या होने वाला है, बस बातें करते करते चले जा रहे थे। इसके कुछ ही देर बाद पूरा नजारा ही बदल गया। तेज रफ्तार कार आई और इन तीनों युवकों को रौंदते हुए चली गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों फुटबॉल की तरह उछलकर दूर जा गिरे। बताया जा रहा है कि एक युवक तो हवा में गुलाटी मारते हुए 100 मीटर दूर तक उछल गया। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये हादसा गोरखपुर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र के रामनगर चौराहे का है, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। बता दें कि हिट एंड रन केस के नए कानून में ये प्रावधान था कि किसी को टक्कर मारने के बाद गाड़ी मालिक मौके से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल की जेल होगी। इसके साथ ही 7 लाख का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। सोचिए जरा, अगर ये सख्त कानून लागू हो जाता तो शायद ऐसे लापरवाह लोगों की बेकाबू रफ्तार पर लगाम लग गई होती और इस तरह लोगों को जान ना गंवाना पड़ता। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।